से पहाड़ों की आवाज आपकी आवाज। तो आप देख रहे हैं पॉइज ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड के घर घर गांव की आवाज। और आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। इस समय दुनिया में महामारी तेजी के साथ फैल रही है। अपने देश में भी इस बीमारी से सारी प्रजा परेशान है। और आज हमें जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खंड नैनडांडा के बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऑफिस में, और यहाँ पे हम कुछ जानकारियाँ बटोरने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पे ऑफिस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बाल विकास जो ऑफिस है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं विकास खंड नैनडांडा के। और जो यहाँ पे सुपरवाइजर मैम यहाँ पे बैठती है संतोषी गुसाई जी, उनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसी सिलसिले में बॉयज ऑफ माउंटेन आज यहाँ पे पहुँचा है। मैडम जी, सबसे पहले तो बॉयज ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। तो सबसे पहले ये है कि कितने आंगनबाड़ी यहाँ पे, फुल आंगनबाड़ी हैं विकासखंड में, और कितने यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी? जी, नैनीडांडा ब्लॉक में हमारे पूरे 129 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 52 फुल हैं बड़ी आंगनबाड़ी केंद्र, जिसमें एक आंगनबाड़ी और एक सहायिका होती है। और 77 हमारे पास मिनी है, जिसमें से सभी जो है पद फुल हैं, बस एक है रिक्त उसमें, मतलब वर्तमान में लगभग सभी संचालित है एक को छोड़ के। अच्छा, तो इस समय जो राज्य के गाइडलाइंस है वो किस प्रकार यहाँ पे आपको दी? राज्य की जो ये महामारी के तहत जो गाइडेंस दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की गई है, उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। बल्कि हमारी आंगनबाड़ियाँ जो फील्ड में भी काम कर रही है, बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी हमें रोज़ दे रही है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पता करके दे रही है, और लोगों को जो है प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनिंग का, और विभाग से और प्रशासन से जो भी एडवाइजरी मिलती है वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं, बताते हैं। अच्छा, तो अगला आपसे ये सवाल है कि जो गांव में पोषित आंगनबाड़ी हैं वो किन किन लोगों के लिए वहाँ पर पोषित है? जी, पुरुष, महिला या बच्चे? हाँ, हमारा जो मेन क्राइटेरिया है वो महिलाएं और बच्चे ही हैं, जो महिला सशक्तिकरण विभाग है। और इसमें हम लोग लेते हैं 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, और मतलब ये जो गर्भवती होती है माताएं और धात्री माताएं, इनको लेते हैं हम। अच्छा, हाँ। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको, जैसे हमारा राशन का चलता है ETHR, हमारा ये मंथ की जो 5 तारीख होती है उस दिन एक निश्चित दिन वितरण होता है। आजकल तो ये लॉकडाउन के कारण थोड़ा डोर टू डोर वितरण हो रहा था, तो वो एक दिन से ज़्यादा भी जा रहा था, क्योंकि घर घर बांट के देना था हम लोगों को राशन। तो ये हम लोग देते हैं 0 से लेकर 6 साल तक। 0 से 6 महीने में तो बच्चे की माता आ जाती हैं, जो गर्भवती जो धात्री माता होती हैं, जो बच्चों को दूध वगैरह पिलाती हैं। और बाकी 3 से लेकर 7 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को हम राशन देते हैं, और बाकी 3 से 6 के बच्चों को हम स्कूल में देते थे, है ना। पर आजकल तो स्कूल आने, तो उन्हें भी हम घर डोर टू डोर ही सर्विस दे रहे हैं राशन की। बाकी एक सवाल तो रहे आपसे कि जो यहाँ पे जिला बाल विकास अधिकारी और राज्य बाल विकास अधिकारी के कोई टोल नंबर या फोन नंबर होंगे आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, फोन नंबर है हमारे पास। हाँ। तो अगर आप जनता के अगर नजर हाँ, संज्ञान में चले जाए तो ये तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, यहाँ पे संतोषी गुसाई जी जो यहाँ पे सुपरवाइजर बैठती है, उनसे हमने यहाँ पे कुछ सवाल किए। तो यहाँ पे जो जिलाधिकारी हैं या बाल विकास अधिकारी, उनके जो दुगट्टा में बैठते हैं हमारे, क्या नाम बताया आपने, बाल परियोजना अधिकारी दुगट्टा, तो उनके नंबर डिस्ट्रिक्ट का जिला कार्यक्रम अधिकारी है वो, तो उनका नंबर बताना है 7011612355। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आपद घड़ी में भी आप लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके लिए बॉयज ऑफ माउंटेन आपको सलाम करता है। ऑफिस में यहाँ पे मौजूद हूँ, तो कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और किस पर पे आप काम करते हैं? मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत है, और मैं यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट। हाँ, तो इस आपद जो कोरोना काल घड़ी चल रही है देश के अंदर या विश्व के अंदर, जी, इसमें कई चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इसमें आप किस चीज़ पर फोकस किए? एक्चुअली हम लोगों को यही बोल रहे कि यहाँ से जो भी हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइन मिलती है कि आंगनबाड़ी को ये बताना है अपने ऐसे ऐसे उन्होंने करना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, या जो भी चीज़ें हमारी, मतलब आजकल हमारी सारी व्यवस्थाएं डोर टू डोर हो रही है, और हमारी आंगनबाड़ी टोटली मतलब
जो भी उनके काम है वो घर घर जाके कर रही है भाई, तो बहुत मेहनत कर रही है। और बाकी क्या उसमें जो भी उनको करना है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बढ़िया बात हमको बताया कि भाई पब्लिक के लिए जो भी काम यहाँ पे होता है उसको हम एक सेवा के रूप में यहाँ पे निभा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे मैं वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए विकास करने नंडा जो बाल विकास कार्यालय था वहाँ तक मैं पहुँचा था। तो साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हर जानकारी हम विकासखंड के और देवभूमि उत्तराखंड के तमाम खबरें इस पे दिखाते रहते हैं यूट्यूब चैनल पे। और कभी भी हमारी सेवा की आपको ज़रूरत पड़ती है तो लगातार हम आपके सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं इस कोरोना संकट काल में। तो साथियों मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट नेकी के साथ बाल विकास कार्यालय नैनी टांडा जनपद फोर्टी जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।